जय हिंद। नमस्कार, मैं आदित्य राकेश। अभी आपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े कवियों को सुना। किसी ने मोहब्बत की बात की तो किसी ने दर्द की दास्तान को सुनाया। लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल ही अलग मुद्दा है और बिल्कुल ही अलग विषय है। जी हाँ, पुलिस। चूँकि मैं खुद पुलिस में हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग पुलिस को बहुत अच्छे से जानते हैं। पुलिस के बारे में आम धारणा है कि पुलिस अच्छी नहीं होती, पुलिस अच्छी नहीं होती, पुलिस समय पे नहीं आती, और ना जाने कितने चुटकुले कितने जोक्स पुलिस के ऊपर बनते रहते हैं। लेकिन पुलिस वालों का दर्द आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने पुलिस वालों के दर्द को भी बताया है, उनके बारे में किसी ने बताया कि हाँ पुलिस वाले, उनके लिए सहानुभूति भी मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने बताया होगा। लेकिन आज तक अपने पुलिस की नौकरी में मैंने जो आज तक महसूस किया उसको मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं सारे पुलिस वालों का दर्द आप तक पहुँचा पाया तो मेरा समर्थन कीजिएगा, मुझे मेरे साथ हो जाइएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कि सब कुछ होकर भी अधूरा सा होता हूँ, सब कुछ होकर भी, घर बार माँ बाप भाई बहन सब है, कि सब कुछ होकर भी अधूरा सा होता हूँ, भीड़ में रहकर भी तन्हाई में रोता हूँ। अपनों के खातिर ही आया पर नित अपनों को खोता हूँ, और लाचारी का आलम देखो मानो बंद पिंजरे का तोता हूँ। आवाज आवाज अपने दिल की पल पल दबाने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। क्या बात, वाह क्या बात। अपने घर को उथल पुथल कर चैन दूसरों को देता हूँ, अपने घर को उथल पुथल कर चैन दूसरों को देता हूँ, फिर भी देखो बदले में नफरत ही उनसे लेता हूँ। मुझे लगता है कि इस धरती पर पुलिस एक ऐसी प्रजाति है जो हमेशा दूसरों के लिए काम करती है, सेवा दूसरों की करती है, लेकिन बदले में मुझे लगता है कि उनसे नफरत ही मिलती है। और मैंने तो नहीं सुना, मैंने जहाँ भी सुना लोग गाली ही देते हैं। लेकिन इस पर भी मैंने दो लाइनें लिखी हैं कि ना जाने कितने हैं रंग यहाँ तेरे खाकी, ना जाने यहाँ कितने हैं रंग तेरे खाकी, तू जरूरत तो सबकी मगर कितने हैं संग तेरे खाकी। वाह क्या बात। कि अपने घर को उथल पुथल कर चैन दूसरों को देता हूँ, फिर भी देखो बदले में नफरत ही उनसे लेता हूँ। कभी कभी तो ना जाने मैं कितने दिन पर सोता हूँ, और नींद रूठ जाती है अक्सर, मैं वहां भी ड्यूटी पर होता हूँ। बिना शर्त बिना शर्त बिन मांगो के कर्तव्य निभाने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। आपके कर्तव्य के नाम, आप पुलिस वालों के नाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सदा बेरंग होती है होली फीकी सब दिवाली, सदा बेरंग होती है होली फीकी सब दिवाली, कहां दशहरे का मेला है कहां गुलाल की लाली। पुलिस वाला कोई त्योहार नहीं मना पाता, एक पुलिस वाला कभी त्योहार पे अपने घर नहीं जा पाता, क्योंकि अगर पुलिस वाला छुट्टी ले लेगा त्योहार में तो आप कैसे त्योहार मना पाएंगे? आपका त्योहार नहीं मनेगा, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए पुलिस वाला कोई त्योहार नहीं मना पाता है। मुझे नहीं पता कि यहां में से कितने लोगों को मालूम होगा कि कोई भी त्योहार जब आता है तो पुलिस वालों की छुट्टी 10 दिन पहले ही बंद हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस वालों की छुट्टी 10 दिन पहले ही बंद हो जाती है साहब। बिल्कुल, क्योंकि अगर पुलिस वाले छुट्टी में चले गए तो आप कैसे त्योहार मना पाएंगे? जी। इस पर भी दो लाइनें लिखी है मैंने कि हमारे लिए कोई पर्व नहीं होता कोई त्योहार नहीं होता, हमारे लिए कोई पर्व नहीं होता कोई त्योहार नहीं होता, अब तो शनिवार भी छुट्टी होती है लेकिन हमारे लिए अभी भी रविवार नहीं होता।
कि सदा बेरंग होती है होली फीकी सब दिवाली, कहाँ दशहरे का मेला है कहाँ गुलाल की लाली। करवा चौथ रक्षाबंधन और भैया दूज भी खाली, करवा चौथ रक्षाबंधन और भैया दूज भी खाली, है कहाँ कोई अपना सावन कहाँ बसंत हरियाली। बहुत खूब। हकदार नहीं त्योहार का, हकदार नहीं त्योहार का, यह जान भी मुस्कुराने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। अब पुलिस वाले अपने लिए क्यों नहीं जी पाते, कुछ लाइनें उस पर लिखी हैं कि हम नहीं तो आपकी खुशनुमा शाम कैसे होगी, हम नहीं तो आपकी खुशनुमा शाम कैसे होगी, और हम नहीं तो आपकी जिंदगी अपनों के नाम कैसे होगी। वाह क्या बात। हम नहीं तो आपकी खुशनुमा शाम कैसे होगी, हम नहीं तो आपकी जिंदगी अपनों के नाम कैसे होगी। मुंबई में जब ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें से एकमात्र जो जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था वो अजमल कसाब था, और मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोग जानते होंगे कि उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला तुकाराम ओम्बले, जो कि सीधे जाके कसाब से भिड़ गया था, और कसाब ने राइफल तानी AK-47, और ओम्बले साहब ने अपने दोनों हाथों से राइफल के बैरल को पकड़ लिया, उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और राइफल के बैरल को पकड़ लिया, और कसाब ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और उससे ओम्बले साहब का जो है वो सीना छलनी कर दिया। अगर ओम्बले साहब ने उस वक्त ये सोच लिया होता कि उनके पीछे उनका घर, उनका परिवार, उनकी बीवी, उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, तो शायद अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता और ना जाने कितना खून खराबा और होता। बिल्कुल सही। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस वाला अगर घर से एक बार ड्यूटी के लिए निकल जाता है तो ये भी नहीं जानता कि वो घर लौट पाएगा भी कि नहीं लौट पाएगा। जी बिल्कुल सही बात कहा है। मुंबई के इतिहास का सबसे दुखद घटना, और हम तुकाराम को नहीं भूल सकते हैं, आपने उन्हें अपनी कविता में आज हम सबों को याद कराया। जहाँ भी है वो श्रद्धांजलि है उनको, उनको नमन करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। कि हम नहीं तो आपकी हसीन हर शाम कैसे होगी, हम नहीं तो आपकी जिंदगी अपनों के नाम कैसे होगी। हम नहीं जागे तो आप रातों को सो कैसे पाएंगे, और हम नहीं आगे तो आप समय पर हो कैसे पाएंगे। सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा ही है धर्म हमारा, और ये धर्म निभाने वाला हूं, इसलिए मैं नहीं हूं क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं। और अंत में एक अपील कि पुलिस को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा विश्वास चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका थोड़ा समर्थन चाहिए, क्योंकि पुलिस आपके लिए ही है और आप ही की है, और पुलिस में जो लोग काम करते हैं वो भी आपके बीच के ही हैं, आप ही के बीच से आए हैं। ये माना कि कुछ लोग पुलिस में खराब होते हैं, तो वो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस में होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में होते हैं या हमारे घर में भी होते हैं, तो इससे क्या हम अपने घर, पूरे घर को खराब कह देते हैं क्या? वाह नहीं, ठीक उसी प्रकार एक दो लोगों की वजह से पूरा पुलिस महकमा खराब नहीं हो सकता। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप पुलिस का समर्थन करें और उसका साथ निभाएं, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपको पुलिस वैसे ही मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आपके लिए, आपको ये सम्मान, आपको पुलिस वालों के नाम, और जो हसीन शाम आप हम लोगों को बताते हैं।